आशा है आप सब लोग को पता है कि चक्रास क्या होते हैं। चक्र चक्रा क्योंकि इंग्लिश में बोलते बोलते चक्रा बोलने की आदत पड़ गई है, बट चक्र होते हैं ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हम इन्हें कहते हैं। और मेन चक्र हमारे साथ होते हैं, हालांकि और भी ज्यादा होते हैं, हर एरिया में हर जॉइंट के पास भी हमारा एक चक्र एसोसिएटेड है। और हमारे हिंदी संस्कृति में ऑलरेडी ये हिंदुज्म में वेदों में हमारे ये ऑलरेडी है कि अगर आप अपने चक्र को हेल्दी रख सकते हैं तो उससे जुड़े हर शरीर के अंग में एक कंफर्ट रहेगा, डिजीज फ्री रहेगा, किसी तरह की कोई रोग नहीं आएंगे। तो ये काम बस आप अपने चक्रों को क्लीन रख के कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जरूर योगा करते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ योगा एक लौता इस पूरे संसार में एक लौता ऐसा एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, एक ऐसा व्यायाम प्रोग्राम है जिससे आप ना सिर्फ फिजिकल लेवल बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी खुलते हैं। आपके लिए नई चीजें अपने आप बहने लग जाती हैं, तो ये उसका असर होता है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप जोड़ें, अगर हम शरीर और मन को एक साथ जोड़ के आगे बढ़ें तो एक जिंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकलती है। क्योंकि मन और शरीर को अलग अलग नहीं जाने देना, उनके अंदर एक बैलेंस बनाना है, एक संभाव बनाना है। और जैसे ही वो संभाव बन गया, आप जो चाहेंगे इस दुनिया में वो सब कुछ घटेगा, वो सब कुछ होकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता होने से। तो इसी चीज पे हमारा आज का सेशन है। पहले हम चक्रों की बात करेंगे, हर चक्र में क्या खूबी है, किस तरह से वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हर चक्र का एक बीज मंत्र भी होता है जो मैं आप सबको दूंगी, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में उन बीज मंत्रों का इस्तेमाल करके किसी भी चक्र को कभी भी ट्यून कर सकते हैं। एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि अगर आप ना बोलना चाहते हैं, ना मेडिटेट करना चाह रहे हैं, तब भी आप अपने चक्र से कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, वो चीज भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और उससे पहले जरूर आप लोग मुझसे कनेक्ट करें। नीलाक्षी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है neelakshi.i, और neelakshi.i के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। तो अगर आज के सेशन के बाद आपके कुछ सवाल रहे, आप मुझे वो भेज सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगी और आगे भी कनेक्टेड रहूंगी। ये सात चक्रों पे जब हम काम करते हैं, हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो हम ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, इन पे नीचे से काम करते हैं और नीचे से चक्रों को धीरे धीरे बैलेंस करते हुए हम ऊपर तक पहुंचेंगे। उसका एक कारण है, हमारे ऊपर के जो चक्र हैं वो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो अगर हमने अपने बाकी भावों को, अपने बाकी इमोशंस को बैलेंस नहीं किया, तो ये दो चक्र हमारे अंदर किसी तरह का अहंकार, गलत अहंकार पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सोचते तो हैं एनलाइटन होने की, लेकिन अगर हमने इनको सही से बैलेंस नहीं किया तो हम उल्टा हो जाते हैं। हम एक अहंकार के वर्ल्ड में ही खो जाते हैं और अपने से ऊपर कुछ नहीं देखते और इस दुनिया की खूबसूरती को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इसलिए अक्सर आप देखते हैं नेट पे या किसी के पास जाते हैं, हर कोई सिर्फ थर्ड आई और क्राउन चक्र को ओपन करने में जुटा रहता है। मैं ये कहूंगी कि पहले अपने लोअर चक्रास को बैलेंस करिए। जब ये बैलेंस हो जाएंगे, स्पेशली अपने नाभि के नीचे वाले चक्रास को जब ये बैलेंस हो जाएंगे, तो आपके ऊपर के चक्रास को बैलेंस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? क्योंकि ये आपको एक अलग तरह का कंपैशन सिखाएंगे, एक प्रेम भाव आपके अंदर भर देंगे, एक ओपननेस आप में डाल देंगे, जिससे कि नेचर की हर चीज से आप ज्ञान लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं रूट चक्र की। हमारा रूट चक्र लोअर पार्ट में, हमारे बेस ऑफ द स्पाइन, वहां पे टेल बोन पे आधारित, टेल बोन जो होती है बिल्कुल पॉकेट्स के पास, वहां पर होता है रूट चक्र। रंग उसका लाल होता है। ये जो हमारा चक्र है, ये हमारे स्पाइन को, हमारे ब्लैडर को, हमारे खून को, किडनीज को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेग्स, फीट, थाइज, हमारे पैरों को, इनको ध्यान रखता है, इनका ध्यान रखता है, इनका नियंत्रण इधर से होता है। तो अगर इन किसी भी एरिया में आपको किसी भी तरह की तकलीफ है, तो आपके रूट चक्र में जरूर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। अगर ये हमारा रूट चक्र अंडर एक्टिव होता है, मतलब
एक होता है बैलेंस, एक होता है ओवर एक्टिव, जितना चाहिए उससे ज्यादा चल रहा है और जितना चाहिए उससे कम चल रहा है वो होता है अंडर एक्टिव। तो अगर ये अंडर एक्टिव होता है तो आप बहुत अनलव्ड, सेक्सुअली इनएडिक्वेट, फ्रस्ट्रेटेड या डरा डरा महसूस करते हैं या शांत या यू नो कंफ्यूज सा रहते हैं। और अगर ये ओवर एक्टिव होता है तो आप बहुत ज्यादा दूसरों को डोमिनेट करने लग जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा लालच आपके अंदर आने लग जाता है, बात बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, ज्यादा चालाकी का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर के स्वभाव है जो इस चक्र से रिलेटेड है। मगर जब ये चक्र बैलेंस होता है तो आप बहुत ही ग्राउंडेड, ठहराव महसूस करते हैं, सेंटर्ड महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप इस पूरे दुनिया का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं हमेशा, और एक अलग सा जोश आपके अंदर जिंदगी जीने का हमेशा रहता है। आप अपने आप को बहुत ही तरीके से पेश करते हैं। तो ये होता है हमारा रूट चक्र का काम। सारे चक्र जो भी हैं, जब ये सही तरीके से काम कर रहे हो तो ये क्लॉकवाइज घूमने चाहिए, मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरीके से। और जब ये काम नहीं कर रहे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ज्यादा घूमने लग जाते हैं या इसमें एक हैवीनेस आती है, आप उन रंगों को नहीं महसूस कर सकते हो। तो कोशिश हम यही करेंगे अपनी मेडिटेशन के बीच में कि हम इन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्रल चक्र। इन सारे चक्रों के बारे में मैं आपको जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि आप समझ पाए कि अगर इनमें से कोई भी नेचर आपके अंदर है, किसी भी तरह का स्वभाव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या तकलीफ है, तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आप उस चक्र पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और उसको उस ऊर्जा से भर सकते हैं। तो सेक्रल चक्र है हमारा यहाँ, ठीक है। रूट चक्र आपका मूलाधार है, बिल्कुल टेल बोन के पास। सेक्रल चक्र आपका स्वाधिष्ठान यहाँ है, इसका रंग है ऑरेंज, नारंगी रंग। ये हमारे नाभि से 2-3 इंच नीचे होता है, नाभि के नीचे, ठीक है। ये हमारे लिम्फैटिक और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी हमारे किडनीज पे असर करता है, स्किन पे भी असर करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी असर करता है। जब ये एक्टिव नहीं होता तो आप शर्माते ज्यादा हैं, हर बात पे गिल्ट ज्यादा फील करते हैं, अपनी गलती मानते हैं, डरते हैं इंटरैक्ट करने से, खोए खोए रहते हैं और दूसरे क्या सोचेंगे उस बात पे बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब ये ओवर एक्टिव होता है तो आपको चाहिए होता है कि आपको और पावर मिले, आप हर किसी को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी क्रेविंग्स आपको होती है। सेक्रल चक्र का ध्यान रखिए कि ये आपकी क्रिएटिव और सेक्सुअल चक्र भी है। तो जो लोग अपने काम में बहुत अच्छा बनना चाह रहे हैं, जो अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी और इस ऊर्जा से अपने आप को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो इस चक्र का आप जरूर ध्यान रखिए, ये ऑरेंज रंग का चक्र है और जब ये बैलेंस्ड होता है तो आप बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही पैशनेट फील करते हैं, अपने बहुत ही क्रिएटिव, अच्छे मूड में रहते हैं और हर चीज में एक नया ही अपना क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो ये आपके सेक्रल चक्र का पावर है। उसके बाद ऊपर चलते हैं सोलर प्लेक्सस, ये है हमारा यहाँ आधार, यहाँ ये आपके रिबकेज से नीचे और आपकी नाभि से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ बिल्कुल ठीक नीचे। इसका रंग पीला है, ठीक है। ये आपके नर्वस सिस्टम, पेट, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, इन सब का ध्यान रखता है, स्प्लीन, तो इस सब पे इसका असर पड़ता है। जब ये अंडर एक्टिव होता है, ये आपका बेसिकली फायर सेंटर है, आपका पावर हाउस। जब ये आपका एनर्जाइज है, चार्ज रखे, तो आपके अंदर एक तरह की डिटर्मिनेशन रहेगी, इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो आप, ये जोश और ये कॉन्फिडेंस आप में हमेशा रहेगा। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है, आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, आप लटकाओगे नहीं, आप हर अपने डिसीजन को पूरी तरह से कंप्लीट करके रखोगे, आप अपने लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे और दूसरों के लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट रखोगे। आप आउटगोइंग बनोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके लिए इजी होता जाएगा, आपके अंदर एक तरह का धैर्य हमेशा रहेगा और एक तरह का आप बैलेंस महसूस करोगे। अगर ये ओवर एक्टिव होता है तो आप दूसरों को बहुत जज करने लग जाते हो, उनका कि वो अच्छा है या बुरा है, जिद्दी हो जाते हो, बहुत ज्यादा दूसरों को परेशान करते हो, अपनी अपनी मनमानी करना चाहते हो। लेकिन अगर ये अंडर एक्टिव है तो
आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस नहीं होगी, आप आसपास के लिए किसी के लिए ज्यादा केयर नहीं करोगे, आप चीजों को लटकाने दोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कि छोड़ो कल कर लूंगा परसों कर लूंगा। लोग ऐसा महसूस होगा कि लोग अक्सर आपका फायदा उठाते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहो। तो ये होता है सोलर प्लेक्सस का काम। उसके बाद हम आते हैं अपने हार्ट चक्र, ये हमारे बिल्कुल चेस्ट के बीच में है, हरे रंग का ये चक्र है और सेंटर ऑफ द चेस्ट में रहता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे दिल को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, हमारे आर्म्स को, हैंड्स को, शोल्डर्स को, रिब्स को, डायफ्राम को और यहाँ जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, इस सब को ये कंट्रोल करता है। अगर ये अंडर एक्टिव होता है तो ये हमारा लव सेंटर है, ये हमारा लव सेंटर बिल्कुल सिकुड़ जाता है, हमें अनलव्ड सा महसूस होता है कि हमें उतना प्रेम नहीं मिल रहा, हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा पिटी करते रहते हैं, हमें लगता है कि मैं बहुत ही दयनीय हूँ। आप अपने हमेशा हर चीज से डरते हैं, रिजेक्ट होने से डरते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को नहीं दिखा पाते, दूसरों से हमेशा उम्मीद करते रहते हैं कि मुझे और प्यार मिले, हमेशा किसी से जुड़ने की क्लिंगीनेस एक आ जाती है, नीडीनेस आ जाती है और अनसर्टेनिटी आपके अंदर काफी ज्यादा आ जाती है। वहीं अगर ये ओवर एक्टिव है तो आपको लगता है सबको सब कुछ मेरे लिए ही करना चाहिए, ठीक है, आप बहुत ज्यादा जलन महसूस करते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों के ऊपर ज्यादा ब्लेम डालते हैं, अपनी गलती नहीं देखते और साथ में कुछ ज्यादा ही दूसरों के लिए करना चाहते हैं, मगर ये करना करुणा से नहीं है, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उतना ही वापस चाहते हैं। मगर जब ये सेंटर बैलेंस्ड होता है तो आप बिल्कुल खुल जाते हैं, आप नेचर से एक हो जाते हैं, आप जितना प्रेम खुद दे सकते हैं उतना ही रिसीव भी कर सकते हैं। अक्सर लोग देना जानते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि मुझे ये वापस चाहिए, अगर रिसीव करना नहीं जानते। सो जिस इंसान का ये चक्र अच्छा सा बैलेंस्ड होगा उसमें करुणा भाव रहेगा, सबके लिए सम तरह का प्रेम रहेगा और सबके साथ एक ऐसी वाइब के साथ वो बाहर घूमेंगे कि हर कोई उनकी मौजूदगी में अच्छा सा महसूस करता है, हर किसी को जल्दी से अपना दोस्त बना लेंगे और बहुत ही लविंग और सबके लिए प्रेम भाव, चाहे जानवर हो चाहे कीड़ा हो किसी भी चीज हो कोई किसी भी तरह के इंसान के लिए, उनके अंदर एक अलग सा प्रेम भाव है। अब आते हैं थ्रोट चक्र में, इस चक्र की एनर्जी है नीले रंग की, ओके, ये हमारे बेस ऑफ द थ्रोट में है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड, हमारे वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, हमारे कान, नाक, दांत, मुंह और थ्रोट और कार्टोइड आर्टरीज का कंट्रोल करता है। ये हमारा एक्सप्रेशन चक्र, अगर आपका ये बैलेंस है तो आप अपने दिल में जो भी बातें समेटे हैं, अपने जो भी ख्वाब हैं, ख्याल हैं, उन सबको बहुत अच्छे से सामने पेश कर सकते हैं। जो लोग अक्सर आप देखते हैं बहुत अच्छे हैं स्पीच देने में, उनका थ्रोट चक्र परफेक्टली बैलेंस होता है, आप अपने हमेशा सच बोल पाएंगे, आप कभी घबराएंगे नहीं, आप क्रिएटिव भी रहेंगे अगर ये आपका बैलेंस हो गया। जिनका ये बहुत ओवर एक्टिव होता है वो ज्यादा ही बोलते हैं, दूसरों की बात काट काट के अपनी बात बोलने की कोशिश करते हैं, उनका बोलना फिनिश ही नहीं होता, इतना बोलते हैं कि दूसरा बोर हो जाता है, दूसरों की खामियां बहुत निकालते हैं, जिद्दी बन जाते हैं। जिनका ये चक्र अंडर एक्टिव होता है वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा कतराते हैं, वैसे काफी एनर्जी है, दिमाग भी है, लेकिन जैसे पब्लिक में आएंगे घबराना शुरू कर देंगे, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, हमेशा दूसरों को महसूस होगा कि वो उन पे डिपेंडेंट है। तो हमारा काम है इसे बैलेंस करना, इसको बैलेंस करते ही आप एक बहुत अच्छे ओरेटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीचेस दे सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं जब ये बैलेंस होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड आई, अपने ब्रो चक्र पे, ये हमारा विशुद्धि चक्र था और अब हम आते हैं अपने थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र पे, ये हमारा है इंडिगो, गहरा नीले रंग का, और ये हमारे दोनों भावों के बीच में यहाँ पे है, ये हमारे पीनियल ग्लैंड, हमारी आंखें, हमारे नोज, हमारे ईयर्स और पूरे स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब ये हमारा चक्र काम सही से नहीं करेगा, अंडर एक्टिव होगा, तो हम जिंदगी की बड़ी पिक्चर नहीं देख पाएंगे, हमेशा हर चीज बहुत ही छोटे तरीके से देखेंगे, ठीक है, सक्रिय मेंटालिटी रहेगी और किसी की भी बातों में आ जाते हैं,
हमेशा अपने बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा काम क्या है, मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ। ये चीज हमेशा एक तरह के हेजीनेस, एक तरह का फॉग हमेशा आपकी आंख पे बना देता है, आपको अपना रास्ता ही नहीं मिलता। और जिनका ये बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है वो हमेशा खोए खोए रहते हैं, ज्यादा ज्यादा टेंशन लेते हैं और अपनी ही एक दुनिया बना के ख्याली दुनिया में ज्यादा रहते हैं। मगर जिनका ये चक्र बैलेंस हो जाता है, उनका इंट्यूशन, उनका साइकिक पावर्स एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं, उनके लिए मेडिटेट करना बहुत आसान हो जाता है। एक अलग सा चमक, एक अलग सी रौनक उनके ऊपर रहती है जो सबको आकर्षित करती है और उनको हमेशा अपना पर्पस पता चलता है कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। उनको अक्सर आप देखते हैं कि वो बहुत ही ज्ञानी और समझदार, सूझबूझ वाले शख्स महसूस होते हैं। तो ये है आपके थर्ड आई आज्ञा चक्र का। और अब आते हैं हम अपने सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, ये हमारे सर के ऊपर, ये यहाँ पे होता है वायलेट रंग का, बैंगनी रंग का, और ऊपर जाते जाते सफेद हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ये एक तरह से मान लीजिए आपका चक्रा है जिससे कि आप इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ये आपका कनेक्शन है अपने यूनिवर्स से, अपने गॉड से, जिसे भी आप मानते हैं, सुप्रीम पावर से, जिस पावर की वजह से सारा वंडरफुल वर्क हो रहा है। ये आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड सब कुछ कवर करता है। अगर ये अंडर एक्टिव है तो आप अक्सर लोग आपको समझ नहीं पा रहे होते हैं और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से आप कभी जुड़ नहीं पाते, हमेशा कहीं जाना चाहते हैं मगर नहीं पहुंच पाते। अगर जिनका ये ओवर एक्टिव होता है वो कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एडिक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं, या उनको ना हमेशा एक एडिक्शन रहता है, अटेंशन चाहिए होता है, एक जरूरत महसूस होने की, पॉपुलर होने की जरूरत महसूस होती है। मगर जिनका ये बैलेंस होता है वो एक बहुत ही आनंदमय स्टेट में पहुंच जाते हैं, हमेशा सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, अपने आप से वाकिफ हो जाते हैं, बहुत ही प्यार प्रेम भाव उनके अंदर हो जाता है और हमेशा एक बुद्ध की स्टेट में रहते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव में। इसके साथ साथ कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उनको देखने, तो ये होता है जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होता है। अब सोचिए कि अगर आपके सारे चक्र बैलेंस होके काम कर रहे हो तो क्या खूबसूरत जिंदगी हो जाए। आप तब अपने परम आनंद, परम रूप में पहुंच सकते हैं और ये मुमकिन है। मैं आपको यही बताने आई हूँ कि ये सब कुछ मुमकिन है, आप डेली बेसिस पे अपने आप को स्थिति में ला सकते हैं, जिसके लिए अब मैं एक मेडिटेशन आपको करवाऊंगी और वो मेडिटेशन करके आप अपने आप को एक शांत स्थिति में ले जाएंगे। उस मेडिटेशन से आप अपने हर चक्र से कनेक्टेड हो जाएंगे और बस अपने शरीर को काम करने दीजिए। आपका शरीर चाहता है कि वो आपका सपोर्ट दे, आपको बस उसके लिए हाजिर होना है जो आप आज हो गए हैं। तो जितना हो सके इस मेडिटेशन में अपने आप को बहने दे, कुछ करने की कोशिश मत करें, कुछ जबरदस्ती फोर्स ना करें कि मुझे ये रंग दिखना चाहिए या वो होना चाहिए। आपके लिए आज जितना संभव है उतना ही करें, क्योंकि शरीर और मन और स्पिरिचुअलिटी का एक सिस्टम है कि ये अपने आप ही अनफोल्ड होता है। तो अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने आप को शुक्रिया अदा करिए कि आप इस शरीर में हैं। और अब हम शुरू करेंगे